हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरी अपनी सेफ्टी। तो हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपकी कार रोड एक्सीडेंट के दौरान बंद हो जाए तो आप उस केस में आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता, आए दिन भारत में सड़क हादसे होते रहते हैं जिसके कारण कई लोगों की मौत और दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ते ट्रैफिक के चलते सड़कों पर होने वाले हादसों के शिकार की संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, हाल ही के दिनों में भारत के मशहूर क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया था, आप लोगों को तो पता ही है, जिसके कारण उनको काफी चोट लगी थी, लेकिन क्या वो अपनी सूझबूझ से तो अपना जान बचा लिया था। तो आज मैं आपको एक टिप्स बताऊंगा जिसे आप जानकर हादसों को टालने और एक्सीडेंट की स्थिति में बचाव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या है वो टिप्स? अगर आपकी कार पलट गई हो तो कार को स्टार्ट करने की कोशिश ना करें, उसे सीधे वर्कशॉप ही भेजें। कार के पलटने के दौरान क्या होता है, कई बार इंजन ऑयल सहित कई फ्लूइड्स बाहर आ जाते हैं। ऐसे में आप कार को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो इंजन में खराबी आ सकती है। ठीक है, वही डीजल लीक होने की स्थिति में, अगर डीजल लीक हो गया है तो आपकी कार में आग भी लग सकती है, इसलिए आप कभी भी कार को स्टार्ट करने की कोशिश नहीं करें। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, मैं आपके लिए इस टाइप के वीडियो लाता रहूंगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।